आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज की टीम ब्लॉक ठाकुर द्वारा स्थित दुल्हापुर अमानताबाद पहुंची। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ग्राम पंचायत 3500 की कुल आबादी वाली है। वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान शबाना बेगम है, जिन्होंने गाँव में बेहतर तरीके से विकास कार्य कराया है। ग्रामीणों के लिए आने वाले सभी तरीके के लाभों की बात करें तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभों को ग्रामीणों को पूरी तरीके से प्रधान द्वारा मुहैया कराया गया है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा गांव में 22 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, जिससे गांव में ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गाँव में 17 बिजली के पोल व 3 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। बात अगर शिक्षा की करें तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल नदारदी दिखाई दिया, लेकिन प्राइमरी पाठशाला में लगभग 44 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो जाना कि वर्तमान प्रधान ने गांव में 13 सड़कों का निर्माण करवाया है, साथ ही साथ गाँव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से 50 शौचालयों का भी निर्माण कराकर ग्रामीणों में वितरित किया है। वहीं 5 आवासों का भी आवंटन ग्रामीणों को किया जा चुका है। प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में जूनियर हाई स्कूल, अस्पताल, सड़कों का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र व 25 आवासों की व्यवस्था करी जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं ग्राम प्रधान पति अमानताबाद से बोल रहा हूँ और मेरे यहाँ जो है कार्यों के अभी जरूरत है। मैंने 13 रोड 8 सीसी बना दी हैं, 5 आवास बना दिए हैं और 50 शौचालय पर मेरा काम चल गया है। अभी जो है मैंने समर सेविल कराया है स्कूल में, और स्कूल की मरम्मत चाहिए मुझे, और आंगनबाड़ी और केंद्रीय आंगनबाड़ी की मरम्मत चाहिए, वो जर्जर हो चुका है। वहीं ग्रामीणों ने भी कैमरे के सामने अपने वर्तमान प्रधान की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रधान द्वारा विकास कार्य बेहतर तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे, जिससे गांव में भी खुशहाली आ सके व बदहाली को दूर किया जा सके। मैं हृदयेश कुमार, ग्राम अमानताबाद, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद का निवासी हूँ। हमारे गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र की इतनी दुर्दशा खराब है कि यहाँ पर बैठना तो दूरभर, एक सेकंड रुकना भी बहुत मुश्किल है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि हमारे गांव के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था की जाए, जिसमें समाज का, गांव का और हमारे अनेक गांवों का ऐसे विकास किया जाए कि जिससे उसमें आने वाले लोग बैठें और बच्चों का विकास हो।